बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से लड्डू, आटे के बहुत ही प्यारे से अच्छे स्वादिष्ट लड्डू। कढ़ाई लेते हैं चौड़ी, जिसमें आटा आराम से भून सके और आराम से सब काम हो सके। गैस ऑन करते हैं और सबसे पहले डालेंगे इसमें एक फुल चम्मच घी डालेंगे। सबसे पहले हम भूनेंगे, ये लो मीडियम गैस रखनी है हमको। ये लिए हमने 1/4 कप काजू लिए हैं, करीब 50 ग्राम काजू हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक एक करके घी में रोस्ट करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे करना है हमें, ये तेज पे ना करें। देखिए हमारे काजू रोस्ट हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम। गुलाबी सा कलर लेना है, लाइट ब्राउन। देखिए हमारे काजू एकदम रोस्ट हो गए। अब लेंगे हम बादाम, इनको भी लो मीडियम फ्लेम पे करेंगे हम। देखिए ये भी रोस्ट हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें किशमिश, इन्हें हल्का से ही रोस्ट करना है, बस हल्का से ही, बस निकाल लेंगे इन्हें भी। इन्हें ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही करना है, क्योंकि ये जलने लगती हैं फिर थोड़ी देर बाद। अभी डालेंगे हम छोटी इलायची, इन्हें भी रोस्ट करेंगे हम, क्योंकि ये हमें मखाने के संग पीसनी है। और ये थोड़ी काली मिर्च 3-4 और लौंग, बस ये भी हमें हल्का से ही रोस्ट करनी है, इसको भी निकाल लेते हैं हम। इसमें डालेंगे हम ये फॉक्स नट मखाने, और इनको भी हम घी में फ्राई करेंगे। ये सब लो मीडियम फ्लेम पे करना है हमें, देशी घी है, घर का बना हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी इसमें फ्यूम्स आने लगती हैं, धुआं आने लगता है। बिल्कुल मैंने लो मीडियम फ्लेम कर रखी है, बिल्कुल लो मीडियम पे ही करना है आपको ये काम। पहचानने की ये है कि ये कुरकुरे होने लगते हैं, तो अभी नहीं भुनेंगे। आप 2 मिनट माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन सबके यहाँ माइक्रोवेव की सुविधा नहीं होती है, इसलिए कढ़ाई में ही करके मैं बता रही हूँ। देखिए ये भी भुन गए हमारे मखाने भी, और ये ठंडे होके क्रिस्पी थोड़े से लगेंगे भी, गर्म बहुत हैं, मैंने तोड़ के दिखाती है आपको। देखिए हमारे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें अब हम रूम टेम्परेचर पर सब ड्राई फ्रूट्स को ठंडा कर लेंगे, रख देते हैं अलग। अब हम आटा भूनेंगे, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, अभी पूरा नहीं डालेंगे। ये मैंने 2 चमचे लिए हैं घी के, होममेड घी है ये। और ये लेंगे हम आटा इसमें, क्योंकि ये मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, तो इसमें घी करीब हमें 300 से 400 ग्राम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम घी में ही रोस्ट करेंगे इसे। गैस को बिल्कुल हमें लो मीडियम ही रखना है, और धीरे से चलाते हुए हमें भूनना है। और याद रखिए कि मोटे तले का ही बर्तन भारी कढ़ाई हो, या चौड़ा और मोटा तले का। हाँ जी, हमारा आटा देखिए भुन के तैयार हो गया है यार लड्डुओं के लिए। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। मिक्सर जार लिया है, और ये हमने जो मखाने भुने थे ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम इसमें मिक्सर जार में डालेंगे। और साथ में डालेंगे हम ये छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, बिल्कुल बारीक पीसना है। और इन्हें थोड़ा सा दरदरा हम इसमें बाद में पीसेंगे, दोनों चीज़ों को, बादाम और काजू को। चलिए इसे पीस लेते हैं हम। देखिए हमने ये मखाने, इलायची और काली मिर्च और लौंग को पीस लिया बारीक। और देखिए इलायची को भून के पीसने का हमारा यही फ़ायदा रहा कि अगर उसका पाउडर डालते तो इसमें पूरी अच्छे से फ्लेवर आटे में भी गया है, और ये भी। इसे हम निकाल लेते हैं अलग से एक बर्तन में, और इसी जार में हम फिर पीसेंगे बादाम और काजू। वो हमें थोड़े दरदरे पीसने मोटे, इसलिए अलग पीसना है हमें। देखिए कितना अच्छा सा पाउडर बन गया इसका, इसको अलग कर देंगे। में अब हम डालेंगे ये बादाम और ये काजू, किशमिश को नहीं पीसना है हमें, और इन्हें पीस लेते हैं। देखने ये बादाम काजू भी हमने पीस लिए हैं, और ये थोड़े से हमने मोटे इसीलिए पीसे हैं कि थोड़े से इनके चंक से आते हैं तो अच्छा लगता है। और ये किशमिश भी इसी में डाल देते हैं, सब ठंडा हो चुका है ये। और इसमें ही हम बूरा डाल देते हैं, ये हमने लिया है 400 ग्राम बूरा, क्योंकि हमारा 500 ग्राम आटा था, और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, ये आटा हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, हाथ लगा रहे हैं तो एकदम ठंडा भी नहीं करना, हल्का सौंधा सौंधा गर्म भी रहे हल्का। अब इसमें मिलाएंगे जो हमने ये काजू, पिस्ता, बादाम और ड्राई फ्रूट्स और बूरा का ये जो ये मिश्रण बनाया था, उसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे इसमें, हाथ से ही मिलाना है। देखिए यही हमारा मिश्रण काफ़ी हो गया है, इतने मिश्रण में ही हमारे 500 ग्राम आटे से बहुत सारी लड्डूआँ बन जाएंगे। देखिए लड्डू तो हमारा बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़े से घी की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से इसको मिला लेते हैं।
तरह से दबाते हुए घुमाते हुए बनाने हैं। इसी तरह से सारे लड्डू हम बनाते जाएंगे। लीजिए, हमारी स्वादिष्ट आटे के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही हेल्दी हैं। आप लेना ये और खाइए और एंजॉय कीजिए।